दोस्तों, साल 2023 की सबसे बड़ी ज्येष्ठ पूर्णिमा, साल के जून में पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा को सबसे बड़ी और सबसे खास पूर्णिमा माना जा रहा है। 4 जून को पड़ने वाली पूर्णिमा पर कई दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, इन दो जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ दे, इसे मृत्युदंड और महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष, सब कुछ होगा समाप्त और किस्मत के लग जाएंगे 4 चांद। महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। दोस्तों, इसका प्रभाव आपके राशि वाले जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में जानते हैं शुरू से लेकर अंत तक। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम जानेंगे दीपक का एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन में नए और बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, किस प्रकार आपकी राशि के लिए ये पूर्णिमा, यानी कि दोस्तों 4 जून का समय आपके लिए किस प्रकार से नए और बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। दोस्तों, याद रखें कि इस समय घर और परिवार में विवाह या फिर सगाई संबंधी आपको मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है। दोस्तों, इस समय पर आप लोगों को नए कार्य भी मिल सकते हैं। दोस्तों, ये समय आप लोग अपना नया वाहन या फिर मकान भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसमें भी आप लोगों को लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, ये भी इच्छा आपकी पूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, जो पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्य हैं, वह भी आपके पूर्ण होने वाले हैं इस समय में। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस समय पर आप लोगों की तरक्की देखकर, आपको सफलताओं की तरफ जाता हुआ देखकर, जो आपके जितने भी दुश्मन हैं, वह भी आपसे अब जलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उन दुश्मनों का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बेझिझक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इस समय में आप लोगों को जितना संभव हो सके गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की आपको आवश्यकता करनी है। जितनी हो सके दोस्तों, उनकी मदद अवश्य करें। अन्य धन जितना भी हो आपसे, उसकी मदद अवश्य करें। आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये वह समय रहने वाला है दोस्तों, इस समय बहुत भयंकर उपलब्धियाँ आपके हाथ लगेंगी और सारे काम आपको योजनाबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है, तभी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, किसी सराहनीय कार्य की वजह से आप लोग बिजी रहेंगे। दोस्तों, कोई ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिसमें मान सम्मान की आपकी प्रतिष्ठा होने बढ़ने वाली है। युवा वर्ग बहुत समय से अपने करियर को लेकर संघर्षरत थे, तो उन्हें भी कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। नौकरी से संबंधित या फिर पढ़ाई से संबंधित जो लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए भी रोजगार प्राप्ति के कुछ अवसर इस दिन पे प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपके जीवन में नए और बड़े परिवर्तन जल्द से जल्द आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक महा उपाय के बारे में जो आपके राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जब सूरज ढल जाता है, तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती हैं, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं, तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज दीपक जलाता है, तो उससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं, उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं, वह आपके घर में फैलती हैं, तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लग जाता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है, ये भी जब जलता है, तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं,
वह खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है, वह आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। वह आपकी जितनी भी मनोकामना है वह भी पूर्ण होती है। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं, वहीं पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। दोस्तों, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से ही कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं, ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवाते हैं, ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुंह देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ में अन्य मूर्तियां भी रखते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर के सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए, ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें, तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं, तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, ये भगवान कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है, तो इसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संगीत के जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती हैं, तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश नहीं होता है। पति पत्नी और परिवार जनों के बीच में भी परस्पर प्रेम रहता है। वह घर में धन धान्य में अपने आप ही बरकत होने लगती है। इसलिए जरूरी माना गया है कि अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या फिर ना रखें। दोस्तों, हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है, और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को भी पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप में दिन दोगुनी आपके घर में रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है, तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी जी की बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है। और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश की संयुक्त रूप से पूजा पाठ करनी चाहिए। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी धन देती है, तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और वृद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि घर के मंदिर में हमेशा आप लोगों को कुछ ही मूर्ति रखनी चाहिए, एकदम से भगवान का चट्टा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से आप लोगों को इन तस्वीर का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ मूर्ति ऐसी हैं जो आपको नहीं रखनी है, जैसे कि भगवान भैरवनाथ और शनिदेव की मूर्ति, राहु केतु की, इस प्रकार की तस्वीरें आप अपने घर में नहीं लाइए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेषकर महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर आप ऐसे ही इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। इनकी पूजा पाठ में
अगर किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तियाँ अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया उस प्रकार की तस्वीरों को निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव शंकर से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, और यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।